नमस्कार साथियों, एक बहुत ही दुखद घटना के साथ हम उपस्थित हुए हैं। दो दिन पहले हमारे एक भाई गिरवर बघेल की हत्या कर दी गई और उनका शव एक पेड़ पर लटका हुआ मिला। उनके परिजन ने हत्यारे के खिलाफ FIR भी कराई। उसके बाद सामने वाला पक्ष दबाव बना रहा है, उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो मेरा करेरा थाना वालों से निवेदन है, पुलिस प्रशासन से, उनको सुरक्षा के लिए 2 गार्ड दिए जाएँ, लाइसेंसी हथियार उनके बनाए जाएँ और उन हत्यारों को पकड़ा जाए जो फरार है। भाइयों, पाल बघेल समाज का खून क्या इतना सस्ता हो गया जो सड़कों पे बह रहा है? आप सब पाल बघेल के लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कल सुबह 15 तारीख को करेरा थाने पर पहुंचकर गिरवर के हत्यारों को गिरफ्तार कराने के लिए एक आंदोलन करें। सभी भाई अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें। मेरे समाज के जितने भी लीडर रैलियों में जाते हैं, मंचों पर जाते हैं, समाज उन्हें सम्मान देता है। सब नेताओं से हाथ जोड़कर निवेदन है, कल करेरा पहुँचें और गिरवर के हत्यारों को सजा दिलाने का काम करें। और आप डरें ना, गिरवर के घर वाले, हम सब आपके साथ हैं। हमारी पूरी टीम नरवर से, करेरा से, पिछोर से, कालीपाड़ी से, दुर्गापुर से आपके पास पहुंच रही है। मेरे बंटी भाई और अपने मीडिया वाले भैया नेपाल जी, सभी युवा साथी मिलकर, सभी नेता मिलकर गिरवर के हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुँचाएँ। पुलिस प्रशासन से बहुत हाथ जुड़कर निवेदन है कि भैया उनके हत्यारों को 24 घंटे में पकड़ा जाए, नहीं तो ये पूरा पाल बघेल समाज एक इंडिया लेवल का बड़ा उग्र आंदोलन करेगा। गिरवर भाई, हम आपकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, आपके हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। और आप लोग बिल्कुल न डरें, हम आपके साथ हैं। जय मां अहिल्या, जय मल्हार, भारत माता की जय।